तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्रों जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चिच्चू प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। जिस प्रकार के प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। इसमें 4 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में नीचे उसी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रश्नों के बाद में यहाँ पर ये उत्तर दिए हुए हैं और नीचे उत्तर की व्याख्या भी दी गई है। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड आती है जिसे आप लोग अभी देख रहे थे और बिहार डीएलएड का आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर भी देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस पेपर में भी आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और 4 शॉर्ट पेपर इस पुस्तक में मिल जाएंगे। इन दोनों पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे ये किताबें, ये बुक्स जो है, सभी कापी किताबों दुकानों में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों की। तो यूपी में आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। कोई भी शिक्षक भर्तियां नहीं चल रही हैं, आ भी नहीं रही हैं और पूरी तरीके से रुकी हुई हैं। तो जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी तरफ से ये मुझे भेजा गया है। आप देख सकते हैं 13 फरवरी को इन विद्यार्थियों ने हल्ला बोल अभियान महाधरना का ऐलान किया है। इको गार्डन पर ही धरना होगा और वैसे इको गार्डन में ये धरना प्रदर्शन लगातार अनवरत जारी है। इसी तरीके से प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। टीजीटी पीजीटी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जूनियर भर्ती बीपीएड भर्ती को लेकर के और इस धरना प्रदर्शन को लगभग 60 दिन हो चुके हैं। आज 61वां दिन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही हाल है यूपी का। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, जहाँ से लगातार नई नई शिक्षक भर्तियां निकल रही। वैसे प्रयागराज के बारे में भी बता दूं कि प्रयागराज में 12 तारीख को एक महाधरने का ऐलान किया है इन छात्रों ने। बीपीएससी की जो TRE 3 भर्ती होनी है इसके लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं, ये लिंक मैंने खोली और बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में सभी को मौका मिल रहा है, चाहे वो BTC के विद्यार्थी हों, चाहे वो BEd के विद्यार्थी हों, CTET या STET पास, यानी कि 1-5 की भी वैकेंसी है, 6-8 की वैकेंसी है और 9-10 की वैकेंसी है और 11-12 की भी वैकेंसी है। 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक इसके लिए आवेदन होंगे। और इसी के साथ में जो विद्यार्थी इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, अपियरिंग चूंकि इसमें मांगा नहीं गया है, उन विद्यार्थियों के लिए भी सूचना दी गई है कि चौथे चरण में 1 से 8 कक्षा के 50,000 अध्यापकों की भर्ती होगी और इसके साथ में एक अलग से भर्ती 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। दोनों के बारे में देखेंगे भी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य में चौथे चरण में 1 से 8 कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने वाले 1 से 8 कक्षा के 50,000 अध्यापकों में से 1 से 5 कक्षा एवं 6 से 8 कक्षा के अध्यापक होंगे। चौथे चरण में 1 से 5 कक्षा, ये देखिए लिखा है, चौथे चरण में 1 से 5 कक्षा एवं 6 से 8 कक्षा के 50,000 पदों के साथ ही 9 से 10 कक्षा एवं 11 से 12 कक्षा के अध्यापक के पदों पर भी नियुक्ति होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल 1-8 की ही वैकेंसी होगी, इसमें भी TGT PGT की वैकेंसी होगी। और ये जो 50,000 पद हैं ये केवल 1 से 8 तक के हैं। माना जा रहा है कि 1 से 5 कक्षा एवं 6 से 8 कक्षा के 50,000 पदों में से 9 से 10 कक्षा एवं 11 से 12 कक्षा अध्यापकों को जोड़ दें तो टोटल जो पद हैं वो लगभग 1,00,000 की एक वैकेंसी और आएगी। तो यहाँ पर सभी को मौके दिए जा रहे हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, पुराने शिक्षक हों, दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हों या जो नए विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, आप लोगों के लिए भी चौथे चरण की वैकेंसी आएगी। और यहाँ पर देखिए एक और वैकेंसी का कल ऐलान हुआ है कि 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था। नीचे लिखा कि राज्य में 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी नियुक्ति होगी। प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने के आसार हैं। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के 5,334 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के लगभग 40,518 पद सृजित हुए हैं।
हुए थे और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा कराई गई थी। तो तीन भर्तियों की जो रूपरेखा है वो बता दी गई है, नई, अभी पुरानी जस्ट कंप्लीट हुई है। दो भर्तियां 170,000 पदों पर एक विज्ञापन निकला था, 120,000 पदों पर एक विज्ञापन निकला था, 90,000 के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। 100,000 की वैकेंसी आपकी चौथे चरण में आएगी उसके बारे में जानकारी दी गई है और 45,492 प्रधान अध्यापकों की भर्ती। आ जाइए यूपी में, चुनाव आचार संहिता से पहले मांगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। 10 मार्च के आस चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, कुछ हो नहीं पाएगा और मुझे तो शक है कि कहीं सदस्यों की नियुक्ति भी ना हो पाए, और अगर सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई तो यूपी की जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की वो इस साल कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और नए वीडियो को शेयर करते हैं, तो सुबह का जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दिया करिए और हर विद्यार्थी कम से कम 20-25 ग्रुप से जुड़ा रहता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम चैनल इत्यादि। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन संख्या 51, अब इन दोनों भर्ती बोर्ड के स्थान पर गठित हो रहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री से फिर मांग की है कि नए चयन आयोग का गठन संभावित लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले किया जाए, जिससे कि जल्द परीक्षा कराई जा सके। दैनिक जागरण समाचार पत्र है ये। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि नए चयन आयोग में एक अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों के चयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन आसन्न लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले किया जाए, जिससे टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा बिना किसी व्यवधान के कराई जा सके। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन 9 जून 2022 को जारी किया गया था, जिसके लिए करीब 13 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसी तरीके से एडेड महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,072 पदों के लिए 90,159 आवेदन मिले हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश का ये हाल है। इसका मैं अभी आप लोगों को एक नमूना दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां कितने साल पुरानी, आप कल्पना नहीं करेंगे कि लगभग 16-16 साल भर्तियां उत्तर प्रदेश की लटकी हुई हैं जो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं और बहुत सारे विद्यार्थी तो दुनिया छोड़ चुके होंगे। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर आर ओ आर ओ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि परीक्षा कल है, इसका मतलब ये न्यूज आज की है। लिखा है 16 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी नहीं, हर चरण पर विवाद। विवाद मतलब ही नहीं है सरकार को, शासन को, कितनी सरकारें आईं कितनी सरकारें गईं 2008 के बाद और आज तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। शिक्षक भर्तियों का सबसे ज्यादा खराब हाल है। यहाँ बसपा की सरकार में ये विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन विज्ञापन ही दोषपूर्ण माना गया और उस समय राज्य को एक कैडर मानकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त सभी पदों को जोड़ती भर्ती निकाली गई। तो यहाँ पर बसपा की सरकार थी, उसके बाद में फिर सपा की सरकार आई, फिर भाजपा की एक सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ और दूसरा ये कार्यकाल चल रहा है। तो ये हाल केवल ऐसी भर्तियां नहीं है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां। टीजीटी जीव विज्ञान का मामला है, 2011 में विज्ञापन जारी हुआ था, 2011 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, साक्षात्कार नहीं हो पा रहा इन विद्यार्थियों का। इसी तरीके से अभी आपने देखा टीजीटी पीजीटी का मामला था। चुनाव नजदीक है, शायद पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत देश जान रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता कब लग जाए ये किसी को नहीं पता है। बहुत जल्द आचार संहिता भी लग जाएगी, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि लगातार सिविल लाइन पत्थर गिर जाए, घर पर आंदोलन चल रहा है और मैं सभी छात्र संगठनों से और उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों से, कोचिंग संचालकों से, लाइब्रेरी में जो हमारे प्रतियोगी छात्र भाई बहन जा रहे हैं, जो भी जहां भी जिस स्थिति में है, किसी भी तरीके से वो आंदोलन में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। चूंकि भीड़ रहेगी तभी एलआईओ के माध्यम से लगातार प्रदेश सरकार को हम लोग घेर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के साथ साथ एक अध्यक्ष और 12 सदस्य आचार संहिता के पहले आयोग का गठन कर दिया जाए। और हमारी दूसरी प्रमुख मांग है, सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरा प्रदेश में है बेरोजगारी को लेकर के, कि विधानसभा में जो माध्यमिक श्रीमती महोदया गुलाब देवी जी ने जो बयान दिया है, डाटा दिया है 25,000 पदों का, उनको भी विज्ञापन वर्ष 22 में जोड़ दिया जाए ताकि अधिकतम युवाओं को नौकरी का अवसर प्राप्त हो सके। और
नंबर तीसरी हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि विज्ञापन वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हो पा रही, जिससे कि प्रतियोगी छात्रों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। और सबसे चौथी मांग है कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा जल्द से जल्द हो सके, ताकि अधिकतम युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। और इसकी परीक्षा, इसके पूर्व में मंडल स्तर पर परीक्षा होती थी, लेकिन हाल ही में संशोधन करके 2021 की परीक्षा जिले स्तर पर करा करके, और तमाम ऐसे सेंटर थे कि जहां पर लोग सेंटरों में सेटिंग करने का कार्य किए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी परीक्षा अंतर जनपदीय हो, जिले स्तर पर भले हो लेकिन अंतर जनपदीय हो। जो बनारस के हैं उनको सीधे भेज दिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर, तो इससे भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। मुख्य सेविका लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। शिक्षक भर्तियों की तरह ही यूपी ट्रिपल एससी का भी यही हाल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कल 2015 की एक वैकेंसी है, उसकी नोटिस कल 9 फरवरी को जारी की गई है। साक्षात्कार का कार्यक्रम है जो जारी किया गया है, और पता नहीं ये जो भर्ती है 10 साल पुरानी, ये भर्ती कब कंप्लीट होगी। इस तरीके की यूपी ट्रिपल एससी की भी बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो आयोग की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। आर ओ ए आर ओ की कल परीक्षा है UPSC की, सभी छात्रों को शुभकामनाएं। लिखा है कि लोक सेवा आयोग की तैयारियां पूरी हो गई हैं और हर पर्यवेक्षक पर होगी 10 से 15 केंद्रों की जिम्मेदारी। आर ओ ए आर ओ में दो परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव किया गया है, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। एक परीक्षा केंद्र फरुखाबाद का था, एक परीक्षा केंद्र गौतम बुद्ध नगर या नोएडा का था। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड CD का परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखा 1223 का चयन, कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड CD परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो विज्ञापन जारी किया था उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है। लोको पायलट की वैकेंसी आई है 19 फरवरी के पहले पहले, जिन विद्यार्थियों का आवेदन करना हो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी को मिलेगा 90,000 मानदेय, 50 पदों पर होगी नियुक्ति, निकलेगा जल्द विज्ञापन। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।